नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एरेका पाम का पौधा है और आज की वीडियो में हम इसी एरेका पाम के पौधे के बारे में बात करेंगे कि जितना सुंदर ये खूबसूरत पौधा है उतने ही खूबसूरत इसके गुण भी हैं। तो वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि एरेका पाम की प्लांट की केयर हमें कैसे करनी चाहिए कि पौधा हरा भरा रहे, देखने में और सुंदर लगता रहे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, एरेका पाम ऑक्सीजन रिलीज करने वाला इनडोर बेस्ट प्लांट में से एक है। आप एरेका पाम जहाँ लगाते हैं वहाँ का आपका उस हिस्से का आपके घर के जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो अगर आप नहीं लगाएं अपने घर पे तो ज़रूर लगाएं एरेका पाम। दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से एरेका पाम का पौधा लें तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि आप हेल्दी प्लांट लें, क्योंकि एरेका पाम जितना खूबसूरत और जितना हेल्थी ऑक्सीजन अपने अंदर समेटे हुए उतना ही ज़्यादा ये सेंसिटिव भी होता है। तो अगर आप हेल्दी प्लांट नहीं लेंगे तो उसको आप अपने अपने पास घर पे ले आके सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप नर्सरी से ख़रीदते समय पौधे को इस बात का ख्याल रखें कि काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट आप लेके आए। अब दोस्तों, उसके बाद जब आप प्लांट लेके आते हैं तो उसे आपको लगाना है, तुरंत रिपोर्ट नहीं करना, उसे एक दो दिन के लिए अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर में रख के छोड़ना है ताकि वो ट्रांसफर शॉक से, जो जगह बदल रही है उसके शॉक से बाहर निकल पाए और इस एटमॉस्फेयर में इस प्लेस पे अपने आप को डाल पाए। फिर जब आपको ट्रांसप्लांट करना है दो दिन बाद, तो आप किसी भी प्लॉट में, मीडियम साइज़ के प्लॉट पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैंने देखिए 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और मेरे सारे एरेका पाम 12 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप क्ले पॉट का ही चूज करें बजाय कि प्लास्टिक पॉट या किसी पॉलीथीन के बैग से, ग्रो बैग से, क्योंकि क्ले पॉट में ऑक्सीजन जो एरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर दोस्तों, जो इसकी मिट्टी हम बनाते हैं वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि एरेका पाम की जो रूट्स होती हैं, जो मिट्टी के नीचे होती हैं, वो एज कम्पेयर टू प्लांट काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी कम होती हैं। तो आप कह लीजिए कि एरेका पाम का रूट्स जो होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, इसलिए इसकी मिट्टी जो होती है उसको हार्ड में रखना चाहिए ताकि पौधे की पकड़ मिट्टी में बनी रहे। क्योंकि तो पौधे की पत्तियाँ देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और रूट्स छोटी होती हैं, तो पौधा जो है बेंड होने लगता है अगर मिट्टी आपकी हल्की होगी तो। तो मिट्टी को आपको हार्ड बनाना है। मैं कंपोजिशन बता देता हूँ, आप 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए। ये देखिए, इस मिट्टी में मेरे कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% आप ले लीजिए सैंड और 20% कंपोस्ट। जितना ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है ये, उतना ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट भी है, तो इसमें कंपोस्टिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप साल में एक से दो बार कंपोस्टिंग कर देते हैं तो ये पौधा बहुत ही हैप्पी है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आपको बस 20% कंपोस्ट मिलाना है उसमें, और उस कंपोस्ट को मिला के उस मिक्सचर को उसमें आप इस पौधे को लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये सेडेड एरिया में रखे जाने वाला प्लांट है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ इसको रख सकें, तो इसको आप सुबह की एक दो घंटे की धूप मिलने से पौधे की कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो काफ़ी तेज़ धूप होती है दिन की, वो इस पौधे पे डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे किसी शेडेड एरिया में रखिए या कमरे में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं दिखाऊँ आपको कि ये पौधा मेरा रखा हुआ है मेरी बालकनी में, और यहाँ पे सनलाइट आती है, तो जिस हिस्से पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वो हिस्से की टिप देखिए, ये हमारी सनबर्न इन पत्तियों में होने लगी, और जहाँ देखिए नहीं पड़ती है सनलाइट ज़्यादा, तो उसमें कोई सनबर्न नहीं है। तो अगर पौधे में कोई कमी होती है, मिट्टी में कमी होती है, तो सभी पत्तियाँ, सभी टिप जो है पत्तियों की सनबर्न उनकी होती, पर सिर्फ उन्हीं पत्तों पे पड़ रही है सनबर्न जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है। तो इन पौधों को आपको शेडेड एरिया में रखना है,
अगर फुली सेडेड नहीं दे पाते तो आप ग्रीन नेट से सेड करिए, तो इसको आपको बचाना है सनलाइट से। अब दोस्तों पत्तियों को, इनकी जो टिप है, इनके ब्राउन होने की एक और भी कारण होता है अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग। जो हमारा एरिका पाम का पौधा है दोस्तों, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो जो इनकी रूट्स होती हैं वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स नहीं भेज पाती हैं, गीली होने की वजह से रूट रॉट होने हो जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको आपको वाटरिंग तभी करनी है जब आपकी ऊपर की 1 से 2 इंच की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए। एक दिन लेट हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप देखिए, अगर 1 हफ्ते तक आपके गमले की मिट्टी नहीं सूख रही है तो आप नीचे उसका ड्रेनेज होल चेक करिए कि वाटर ड्रेनेज सही से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे क्या होता है कि अगर पानी मिट्टी गीली रह गई और पौधे की रूट लगातार पानी के गीली रह जाती है, गीली मिट्टी के कॉन्टैक्ट में रहती है, तो रूट रॉट होता है और पौधे की रूट्स जो है वहाँ से ख़राब होती हैं, धीरे धीरे फिर पौधा हमारा ख़राब होने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आपने एक बार पौधे में पानी दे दिया और पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट है फिर भी आप उसे दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत में भी जब रूट्स इनकी नहीं सही से चलेंगी तो फिर पौधा ऑटोमेटिक ख़राब होने लग जाता है। तो आपको अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से बचना है, साथ साथ आपको ओवर कंपोस्टिंग से भी एरिका पाम के पौधे में बचना है, क्योंकि जब आप ओवर कंपोस्टिंग कर देते हो तो ये पौधा स्लो ग्रोथ का पौधा होता है, काफ़ी इनकी ग्रोथ स्लो होती है, और ओवर कंपोस्ट करते हैं आप तो पौधे को ना चाहते हुए भी अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ती है, और जो इसके नेचर के अगेंस्ट है तो उस वजह से भी पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो आपको ओवर कंपोस्टिंग से भी बचना है। इस पौधे में आपको मैक्सिमम साल में 2 से 3 बार ही कंपोस्टिंग करनी, उससे ज़्यादा इसमें कंपोस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो पत्तियाँ आपकी ब्लैक पड़ रही, सूख रही, ख़राब हो रही हैं, उन्हें आप समय समय से हटाते रहें, क्योंकि सूखी पत्तियों से ये पौधे की एक तो लुक ब्यूटी ख़राब होती है और दूसरा वो फंगस या किसी रोग के कारण भी बनते हैं, तो उनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों एरिका पाम का पौधा हमारा लो इम्यूनिटी पसंद करता है, तो इसे एक तरह से आप कह लें कि इसको ठंड पसंद करने वाला पौधा है, शांत रहने वाला, काफ़ी ठंडे में होता है, तो इसको 10 से 25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जो है काफ़ी पसंद होता है, उसमें ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जब 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो इसको आपको किसी ठंडी जगह पर रखना है। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप वाटर स्प्रे इस पर कर सकते हैं, इससे क्या होता है इसकी पत्तियाँ हमेशा साफ रहती हैं, तो जो ऑक्सीजन ये पौधा रिलीज करता है वो और अच्छे से ये कर पाता है। तो इस पर आप हफ्ते में एक बार वाटर स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि पौधे पर पड़ी हुई गंदगी, अपने पत्तियों पर पड़ी हुई गंदगी, धूल मिट्टी अपने आप साफ होती रहे और पौधा काफ़ी ग्रीन और बूसी दिखता रहे। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो एरिका पाम में एक समस्या और आती है, इससे माइट्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसकी माइट्स खास करके मिट्टियों में ही होती हैं, क्योंकि इसमें रूट्स बहुत कम होती है, तो माइट्स अगर आ जाती हैं तो वो हमारे रूट्स को डैमेज कर देंगी। तो इसके लिए आपको प्रिवेंशन है कि आप हल्दी पाउडर या फिर हफ्ते में 10 दिन पे 12 दिन पे एक बार किसी लिक्विड सोप का घोल बनाकर उससे स्प्रे कर दें और पौधे की जड़ों में थोड़ा पानी उसका डाल दें, जिससे कि माइट्स का अटैक ना हो। अगर ये सारी चीज़ें दोस्तों आप करते हैं तो आपका एरिका पाम का पौधा आपके घर के लुक को और बढ़ा देगा, 4 चांद लगा देगा और आपके जगह की इस जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी बूस्ट करता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।